नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में ओबीसी होगा कांग्रेस का सीएम, भगवान ओगरनाथ की शरण में पहुंचे पीएम मोदी। मुंबई में धारा 144 लागू, 2 जनवरी तक लागू रहेगी कई पाबंदियां। नौरा फतेही से 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ, पहुंची ईडी के ऑफिस। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से युद्ध स्तर पर प्रचार करने में जुट गए हैं। उन्होंने आज गुजरात में 4 रैलियां करनी है, जिसके चलते आज वो सबसे पहले भगवान ओगरनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आज के दिन की शुरुआत की। फिलहाल अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अभी से सरकार बनाने का प्लान शुरू कर दिया है। इसके अनुसार अगर गुजरात में कांग्रेस को जीत मिलती है तो ओबीसी वर्ग के किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसके अलावा सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इनमें एक आदिवासी, एक दलित और एक उप संख्यक वर्ग से होगा। मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके चलते पूरी मुंबई में कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जहां 5 या इससे अधिक लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा में प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक यह लागू कर दी गई है। बता दें कि मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक राज्य में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही लाउडस्पीकर, बैंड व पटाखे जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कॉन्वेंट सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए अभिनेत्री नौरा फतेही को दिल्ली के ईडी कार्यालय बुलाया गया, जहां वो अभी ऑफिस में पहुंची हैं। गौरतलब है कि नौरा फतेही दफ्तर से इससे पहले भी कई बार पूछताछ के लिए जा चुकी हैं। समाचार एजेंसी की जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों में अपने आइटम डांस के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री नौरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर के साथ वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की जाएगी। साथ ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि नौरा फतेही के अलावा अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हो चुकी है, और ईडी ने अपने चार्जशीट में जैकलिन को भी आरोपी बनाया था, और पिछले महीने जैकलिन को भी 2 लाख रुपए पर जमानत दी गई थी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।